कोटा में कैथून थाना क्षेत्र के घटकाना चंबल नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल हरिलाल चौधरी ने बताया कि गणराज सुमल चंबल नदी पर मजदूरी करने कोटसुआ गाँव से आया था। पानी से रेत निकालने के दौरान उसकी डूबने से मौत हो गई है। यही युवक के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। एक युवक था गणराज सुमन, जो कल चंबल नदी के अंदर पानी में कोई काम कर रहा था, पानी में डूबने के दौरान मृत्यु हो गई। परिजन उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में ये घटना पड़ता है केतुन थाने के अंतर्गत, वहां की घटना। नदी में क्या कर रहा था? नदी पे कोई काम करने गया था, क्या काम कर रहा था वो तो जांच है। डूबने से हाँ, अभी तक तो डूबने से है, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और परिजन हत्या का आशंका भी व्यक्त कर रहा है, उसकी भी जांच हो जाएगी। जो भी आरोप लगा रहे सभी की जांच पोस्टमार्टम करवाएगा। पोस्टमार्टम कराएगा। मेरे पास कल रात को 6 बजे कॉल आया कि आपके भाई पानी में डूब के यहाँ पड़ा हुआ है गटखाना में। सूचना मिलते ही और मैं यहाँ कोटा ही था, गांव से आए और इसको कोटा लेकर आए तो MVS हॉस्पिटल में जांच में मृत घोषित कर दिया गया। क्या काम? ये रेत का काम करता था साहब, रेत निकालने का। कौन सी नदी? चंबल नदी में।